आप रहेंगे भारत में, खाएंगे भी भारत में और जय जयकार नहीं करेंगे, ये कैसे चलेगा? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आपने जिस व्यक्ति को सांसद चुना, वह व्यक्ति तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता। और पिछली बार किस चुनाव चिन्ह पे आया था, इस बार फिर दूसरे चुनाव चिन्ह पे आ गया। ये हमेशा पहले उसने हाथी का सहारा लिया और जब यहां पूरा चर खा लिया है तो अब वह हाथ का सहारा लेकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों को लूटने का प्रयास कर रहा है। और बेशर्मी की हद देखो, देश की संसद में भारत माता की जय करने से भागता है, कहता नहीं हम नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताओ क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या वोट जाना चाहिए? क्या जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे, ये कैसे चल सकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर और कहा है कि आपकी संपत्तियां छीन ली जाएंगी, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे और आपकी संपत्ति को विशेष लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा, खास लोगों में बांट दी जाएगी आपकी संपत्ति। ये कहा है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मंगलसूत्र छीनने की साजिश हो रही है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर इसी तरीके से हमला बोला था। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित करेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र
उस पर उन लोगों की नजर है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा, दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है, और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी, उनकी सरकार कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और ये हुई ना बात में। हम आ गए हैं अपने आपके नेताजी के साथ और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान। दरअसल हम आ गए जोधपुर और जोधपुर में हम हैं बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ और करेंगे इनसे चुनावी चर्चा। देखिए दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी गजेंद्र जी ने संभाली है। इसके अलावा दो बार जबरदस्त जीत भी जोधपुर से दर्ज की है, क्या इस बार हैट्रिक की तैयारी है? तमाम सवाल हैं, सीधा हम पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रियंका जी। अच्छा ये बताइए कि आप लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और सूखी रोटी खा रहे हैं? देखिए ये ट्रेडिशनली हमारे यहाँ राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पुराने जमाने में जब लोग लंबी दूरी के प्रवास करते थे, महीने महीने भर तक में ऊँटों का काफिला लेकर के जाते थे, तो इस तरह से सूखी हुई बाजरे की रोटी अपने घर में बना के एब्सोल्युटली ड्राई करके उसको सुखा करके छाया में और उसको साथ रखते थे, और उसमें फाइबर भी मिले और न्यूट्रिएंट्स भी मिले उसके लिए, या तो जो है तरबूज के सूखे हुए बीज कूट करके डालते थे, और या तो ये हमारे यहाँ खारा तुम्बा जो होता है उस तुम्बे के बीज डाल करके देते, तो ये तुम्बे की रोटी है। अरे वाह, तुम्बे की रोटी। और आपने इस पूरे डब्बे में रखी हुई है अपनी गाड़ी में, जरा दर्शकों को दिखाइए, ये आज ही की बनी हुई है क्या? इसमें तो घी भी नहीं लगा हुआ, देसी घी भी नहीं? तो कोई कम से कम 15-20 दिन पहले बनी होंगी। तो क्या इसे एक्चुअल में इतने दिन रख कर खाते हैं या आप ही खा रहे हैं? नहीं नहीं, इसको ये अगले एक महीने बाद में खाएंगे तो ऐसी रहेंगी फ्रेश, कभी खराब नहीं होंगी। अच्छा जीत की हैट्रिक की बात हो रही है, इस बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार हैं, तीसरी बार देश में सरकार बनाएंगे और आपकी भी जीत की हैट्रिक का तीसरी बार हो जाएगा अगर आप जीत दर्ज करते हैं। दो बार लगातार आपने बतौर सांसद जोधपुर से एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, कितने आश्वस्त हैं आपको? क्या डर नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत भी, एंटी इनकम्बेंसी या कुछ और? आपके प्रश्न में से अगर शब्द हटा दीजिए, जितना कल का सूर्योदय होना सुनिश्चित है कि वो पूरब से होगा, उतना ही निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी, राजस्थान में 25 कमल खिलेंगे और जोधपुर में भी बड़े अंतर के साथ में कमल खिलेगा। अच्छा कमल खिलेगा, आप पूरे आश्वस्त हैं। लेकिन ये बताइए कि जब हम बात करते हैं जल मंत्रालय की और जल मंत्री से हमें पूछना चाहते हैं, 1994 वो साल था जब यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर पूरा एक मसौदा तैयार हुआ था, शेखावटी तक वो पहुंचा है, अब आने में इसको इतना देरी क्यों हो गई? देखिए 1994 में समझौता होने के बाद में जल का बंटवारा तो हो गया जी, लेकिन हरियाणा ताजेवाला हेड से वो पानी देने को तैयार नहीं था और उनको उसको ये लगता था कि ये पानी देने से जो है हरियाणा के हिस्से पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। आपसे ये भी समझ लेते हैं, आपके सामने इस बार जो खड़े हुए हैं वो कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियारडा खड़े हुए हैं और लगातार वो इस तरह से चुनावी प्रचार कर रहे हैं कि जुबानी हमले भी कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले आप वैभव गहलोत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हरा चुके हैं। ये जो सीट है ये कहीं ना कहीं एक, अगर दो बार को छोड़ दें उससे पहले अशोक गहलोत की एक गृह सीट मानी जाती है, इस बार आप
कांग्रेस के प्रत्याशी को क्या कहना चाहेंगे? हालांकि जमानती वारंट जारी हो चुका है उनके खिलाफ। मैं उनको सांत्वना देना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छा प्रयास किया और जोधपुर की जनता के आशीर्वाद के लिए उनको अभी और परिश्रम करने की आवश्यकता है। बाहरी बाहरी कह रहे हैं बार बार आप। ये उनका दोष नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए का दोष है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही देश के लोग, देश को बांटा, देश के लोगों को बांटा।